the King of Bollywood, the Butcher of all our hearts, Shah Rukh Khan. मिस्टर खान, आप जहां कहीं भी हो प्लीज स्टेज पर आ जाएं। एक्सक्यूज मी गाइस, मैं यहां हूं। क्या बहुत दिनों के बाद मैं इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों के साथ बैठा हूं, और स्पेशली मेरी दोस्त जूही चावला, उनसे मैंने बात नहीं की बहुत दिन से। जूही, तुम्हें याद है वो दिन लक्स, मैं और तुम एंड द टब। शाहरुख, वो एड इतना पॉपुलर हो गया था कि तुम्हारी फिल्म का नाम रब ने बना दी जोड़ी नहीं, टब ने बना दी जोड़ी होना चाहिए था। ये खूबसूरती भी है, ब्रेन्स भी हैं, और सेंस ऑफ ह्यूमर, माय गॉड। एक्चुअली मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ, बिकॉज टुनाइट वी आर हियर टू सेलिब्रेट ब्यूटी एंड द ब्यूटी बिहाइंड द ब्यूटी, एंड देयर इज नो मोर ब्यूटी देन जूही चावला। सो मैं यहीं पर बैठूंगा, मैं तुमसे गुफ्तगू करता हूँ, बातचीत करता हूँ, आगे देखेंगे, राइट? शाहरुख, तुम होस्ट नहीं करने जाते तो मैं चली जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, मैं ही करता हूँ यार, इन्होंने पैसे दिए। तुम्हारे साथ शेयर करना पड़ता है मुझे। करोगे ना? बिल्कुल नहीं, प्यार मोहब्बत खूबसूरती सब शेयर कर सकता हूँ, पैसे मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता हूँ। Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Lux Golden Rose Awards 2017. में हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पर हम खूबसूरती की तारीफ करेंगे, यानी औरत के अंदर की खूबसूरती के बारे में हम बात करेंगे। We are here to celebrate. I am more than you see. All said and done, bottom line, औरत कभी भी मर्द की बराबरी नहीं कर सकती। ये मेरा ही नहीं, यहाँ पे सब बैठे हुओं का मानना है, बिकॉज वुमेन वी ट्रूली बिलीव आर सुपीरियर देन मेन। और अब चलते हैं, कंग्रेचुलेशंस कर रही हूँ, हाथ प्लीज, हाउ लवली यू लुक। ये ना, ये सबसे अच्छी जॉब है कटरीना। कभी कभी मैं इनको घर छोड़ने गया हूँ काम के बाद, ये अकेली रहती हैं। मेरा एक सवाल है जो ऑडियंस ने पूछा है, तुम घर के काम काज भी करती हो? डू यू वर्क एट होम? बिल्कुल, काफी सारी चीजें कर लेती हूँ, डस्टिंग, क्लीनिंग, इनफैक्ट मेरे घर की सारी विंडोज मैं अपने हाथों से साफ करती हूँ। Really? Yeah, yeah. अपने घर की सारी खिड़कियाँ तुम साफ करती हो? बिल्कुल, you don't believe it? मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता ये। Really? अच्छा, okay, I'll show you, but you'll help me a little bit, like you'll do it with me. I'll do it. हाँ, तो ये नीचे रखो। One second, हाँ? So you'll have to copy me. Okay. So can I have the song, please? Song भी होगा? मेरे घर भी आ जाए करो मेरी खिड़की साफ करने के लिए। God bless you both. Thank you for being here. Thank you very much. Zaira, तुम मेरे को ऐसा लगती हो कि इस वक्त सबसे youngest actress heroine हो जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आई हो। So I'd like to ask you a few things, educate you tonight before you leave. कुछ ऐसे actors की मैं तुम्हें childhood की photos दिखाऊंगा, तुम उनको देखो और मुझे बताओ तुम उन्हें पहचान सकती हो कि नहीं। Okay. Try करेंगे? Definitely. हाँ? Okay, पहली फोटो दिखाते हैं। Please Zaira को पहली फोटो दिखाई जाए। बताइए ये कौन हो सकती? अब ये बताएं, यश, कोई बोलेगा नहीं। पहली हिंट है, इन्होंने अपना खुद का क्लिनिक खोल लिया है। ओके, अगर ये कबूतरों को दाना डालेंगी तो इनका कबूतरों को दाना डालने का तरीका भी अलग होगा। कुक 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 माधुरी मैम। माधुरी मैम, सारी हिंट दी मैंने तेरे को यार, क्या बात हुई। यस, इट इज माधुरी दीक्षित। बट इज गुड गेम ना, यू लर्निंग एवरीवन नाउ, बाय द टाइम यू एक्ट विद देम इंशाल्लाह। ओके, सेकंड पिक्चर दिखाएं।
ये जो बच्चा है ना, ये मेरे सबसे करीब है, अभी भी छोटा सा लगता है, प्यारा सा लगता है, मेरे फेवरेट बच्चों में से एक है। जब मैं इनको देखता हूँ, मिलता हूँ, मेरा दिल करता है कि इनको गले लगाऊं, बिल्कुल बच्चों की तरह। पता है कौन है? आलिया भट्ट। ये लड़का है। आलू भट्ट। मैं नीचे वाले का पूछ रहा हूँ जिसकी दाढ़ी है, तुम आलिया बताओ। Yes, actually it is Alia Bhatt. Very well done. Fantastic. Thank you. Second last picture. ये गेस करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी, बताइए कौन है? ये सीक्रेट भी नहीं है, ये सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। और जैसे इन्होंने पहली फिल्म की थी, इनके पापा ने कहा था बहुत नाम करूंगा, तो बड़ा बुरा मान जाएंगे जब ये टीवी शो देखेंगे। देखो एक और हिंट। आई थिंक तुमसे भी मिल चुके हैं, तुम्हारी ऑटोग्राफ भी ली होगी इन्होंने, एटलीस्ट कॉन्ट्रैक्ट पे तो ली होगी। मैं सच बता रहा हूँ, जब ये टीवी शो आएगा मैं उसको फोन करूंगा और मैं कहूँगा ये सेक्शन जरूर देखना। और इसलिए ये जो हमने सब शूट किया है इसको कैंसिल कर दीजिएगा। मैं ऐसा करूंगा कि पहली बार दिखा रहा हूँ और देखते तुम उछल कर इनका नाम लेना। ये कौन है? Okay, the last picture for you, and this one I will tell you who this is. This I think is going to be the biggest heroine ever in the history of Indian cinema in the films that you do. Ladies and gentlemen, please give it up for Zaira Wasim. Thank you so much. And keep doing as well as you're doing. Thank you. और मैं आमिर को नहीं बताऊंगा कि तुमने उसे पहचाना नहीं। Please, मत बताइए। Thank you. Thank you. Thank you. Have a good evening, girl. कभी ऐसा होता है हमारे साथ, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं दिन के अंदर, लेकिन मुझे नाम याद नहीं है आपका। Oh God. तो तब क्या करती हो? Hi, how are you? नहीं नहीं, मैं रवि नहीं हूँ, बिल्कुल मैं रवि नहीं कि आपको थोड़ी मेरी स्नो से परेशानी हो रही है, बट प्लीज बेयर विद अस। अब सबके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा, दैट व्हाई सांता अ बॉय एंड नॉट अ गर्ल। वेल, द आंसर इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जो पूरे साल एक ही कलर के कपड़े पहने और एक ही टाइप के कपड़े पहने। लेकिन सांता का काम क्या होता है? लोगों में प्यार बांटना, गिफ्ट्स बांटना, और मैं भी लाई हूं अपना छोटा सा पिटारा। सो हु डू वी स्टार्ट विथ? माय फेवरेट, द प्रिटीएस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल माधुरी मैम। मैम, वी हैव समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू, कुड वी हैव हर गिफ्ट प्लीज? मैम, कुड यू ओपन दिस फॉर अस इफ इट्स पॉसिबल? एक्चुअली वी गेट सम हेल्प, कुड यू ओपन दिस फॉर मैम प्लीज? माधुरी मैम, एज यू नो एयरपोर्ट लुक्स आर लाइक द मोस्ट इन थिंग नाउ, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ एक ग्लैमरस सी एयरपोर्ट लुक टाइप की पिक्चर खींचे। डू यू माइंड? कैन यू प्लीज स्टैंड अप फॉर अस? थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। हाय मैम। हेलो, हाउ आर यू? वेरी गुड। हाउ अमेजिंग डू यू लुक? यू नो व्हाट, आई एक्चुअली हैव अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर यू। मेरा स्पेशल गुलाब आपके लिए, एंड यू नो व्हाट, इट्स मैचिंग योर ड्रेस। सो कुड यू प्लीज स्टैंड अप फॉर अस एंड डू अ लिटिल वेव विद योर गुलाब? माधुरी को इतना बड़ा सूटकेस, मुझे एक गुलाब, बहुत ना इंसाफी है ये। बट नो, थैंक यू वेरी मच भूमि, थैंक यू। विमेंस क्रिकेट टीम के अंदर मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसको मिलेगा? सर, कोई भी टीम का मैच हो, मैन ऑफ द मैच वही होगा जिसको ये समझ में आएगा, नो मींस नो। नो मींस नो।
Big round of applause for Tapsi. And Tapsi, mujhe lux ka nahi pata, but you are my diva. So please stand here. I'm going to subject you to some questions. May I hold this for you if it's too heavy? Okay. और मुझसे ऐसा कहा गया है कि जो भी यहाँ पर आए उनसे कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछो जिसका जवाब आपको देने में मुश्किल हो। सर अभी तक लोग मुझे इंटेलिजेंट समझते हैं, प्लीज। मैं ऐसे ही सवाल पूछूंगा, लोग तुम्हें इंटेलिजेंट ही समझते रहेंगे। ठीक है, रेडी। Alright, so you have to do it very fast. We only have 10 seconds and quickly ask you the questions. पहला question, money order में order कौन देता है? पहले money दो, फिर बताती हूँ। Okay. Telegram में कितने gram होते हैं? It depends कि news कितनी बड़ी छोटी है, कितनी भारी। कितनी भरकम है? कितनी भारी भरकम है, हाँ। The third question to you is, women's cricket team के अंदर man of the match award किसको मिलेगा? सर कोई भी टीम का मैच हो, man of the match वही होगा जिसको ये समझ में आएगा no means no. Aye, no means no. And that's really true. For whatever little it is worth, right here on this wonderful, glamorous evening of Lux Golden Rose Awards, men should know no means genuinely no. नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब जामुन में गुलाब कहाँ है और जामुन कहाँ है? सर ऐसे तो आपके नाम में भी कोई जो रुख है वो आप पेड़ तो कहीं है नहीं, मेरे नाम में भी ना कोई टैप है ना कोई सी है, तो चलता है। यू आर स्मार्ट विद मी, ओके? आपके सामने सर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैच अप सर, प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट फूड कितनी स्पीड से खाना पड़ता है? सर अभी आपने 10 सेकंड दिया तो उसी में खाना पड़ेगा, नो चॉइस। उससे नहीं होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, तापसी, what a wonderful performer. I congratulate you on behalf of everyone. Thank you, sir. Such an honor. Fantastic. And beautiful. All good. ओके, क्योंकि आलिया को मैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जब इनकी तस्वीर आई थी यहाँ पे, जब ये सरदार बच्चा बनी हुई थी, तो तब से मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे अभी भी बड़ी छोटी सी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं और मेरे बहुत करीब हैं, और इनके साथ मैं कोई भी लिबर्टी ले सकता हूँ। सो द लिबर्टी दैट आई एम गोना टेक विद हर इज दिस गेम कॉल्ड ट्रूथ और डेयर। ओ गॉड, मैं भी ना दिल से बहुत जवान हूँ, आई नो दीज गेम्स, एंड सो आई एम गोना प्ले ट्रूथ एंड डेयर। आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस एंड यू कैन आस्क मी बैक टू, एक्चुअली आई विल मेक इट फेयर फॉर यू। ओके, आप भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ट्रूथ और डेयर का सर्कल जो है ला सकते हैं सच या सजा। ओके, ये घुमाऊंगा और अगर सच पे आया तो आपसे मैं ऐसा सवाल पूछूंगा जिसमें आपको सच बोलना पड़ेगा सबको। ओके, और अगर सजा आई तो फिर मैं आपको सजा दूंगा। ओके ओके, मुझे ऐसा बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वर्स्ट फिल्म कौन सी रही है तुम्हारी जिंदगी की? देखो, जो भी परफॉर्मेंस था मेरे लिए शानदार था। मूविंग ऑन, नाउ इट्स योर टर्न। इट्स माय टर्न। सज़ा, पनिश मी प्लीज। ओके, एक्चुअली आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग, आपके लिए कुछ है। कैन वी हैव दैट कुछ दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू? कुछ कुछ दे दो। ओके, एज यू कैन सी, ये एक गोल्डन राखी है। मैं किसी राखी को नहीं जानता। ये वो वाला राखी नहीं, वो रक्षाबंधन वाला राखी, यू नो, जो बहन अपने भाई को बांधती है, तो शैल वी हैव अ रक्षाबंधन मोमेंट? बताओ क्या करना है मुझे इसके साथ? आपको ऑडियंस में जाके किसी से राखी बंधवानी है। गोल्डन राखी। सी, मैं इस बात को बड़ा क्लियर कर दूंगा, यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, लक्स गोल्डन रोज अवार्ड है यहाँ पे, तो मैं पूछता हूँ कि कोई भी ऐसी लड़की है यहाँ पर जो मुझे राखी बनना चाहिए? क्या बात कर रही हो यार, ऐसा भी कभी होता है? भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे। आलिया, कम ऑन, एवरीबॉडी शुड क्लैप, इट्स अ बिग मोमेंट। हाउ स्वीट।
जिस तरह की इन्होंने हक दिए बिल्कुल बहन टाइप नहीं थी, मैं बताना था। ये मैं क्लियर कर रहा हूँ मैं। Oh my God. क्यों हाथ कांप रहे हैं बहना? सोचा था कुछ और कुछ हो गया। सैया नहीं तो भैया तो। ओके बहना, थैंक यू वेरी मच। आई जस्ट वांटेड, व्हाट्स योर नेम डार्लिंग? सिमरन। दिस इज नॉट पॉसिबल। सच्ची 25 साल के बाद पूरी हिस्ट्री बदल चुकी है। मैं सिमरन से मिला ऐसे ही वादियों में अनजान जगह पर, और वो मेरी बहन बन गई। ने आज हमको मिला दिया। भाई बिल्कुल गलत मिलाया, ये मैं तुझे बता रहा हूँ, मगर मैं जिंदगी भर आपकी रक्षा करूंगा। कोई आपको तंग करे मुझे बोल देना। थैंक यू सर। आई मीन रियली दिस इज रियली सैड बट थैंक यू। गॉड ब्लेस यू आलिया। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ओके दैट्स ऑल राइट। सो हमारा तुम्हारे साथ सच बाकी है। Oh, this one has turned out worse than I thought, really, honestly. नहीं नहीं, कभी कभी सच बोलती है आलिया। मुझे ये सच बताओ कि ऐसा कोई यंग एक्टर है जो तुमसे बेहतर एक्टिंग करता है? ऑनेस्टली आपने यंग कह के मेरा जॉब काफी आसान कर दिया है, तो यंग एक्टर वुड हैव टू बी वन एंड ओनली शाहरुख खान। किसी और का भाई बना लिया और मेरे ऐसे चापलूसी कर रही है, मैं सब समझ रहा हूँ। नहीं मैम, आई बिल्कुल, आई मीन इट, माय हार्ट। ओके फॉर मी नाउ, तुमने मुझसे सच की बात की है तो मैं तुमसे सच बोलना चाहूंगा। Okay. यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत, वी गॉट द वर्सटाइल ब्यूटी, वी गॉट द अनस्टॉपेबल ब्यूटी, वी हैव द एवरग्रीन ब्यूटी, वी हैव ऑल द ब्यूटीज इन द वर्ल्ड। लेकिन सारी सात ब्यूटीज को मिलाकर अगर मैं किसी का फैन हूं तो वो जो ब्यूटी है वो सिर्फ आलिया भट्ट है। जनरली लेडीज एंड जेंटलमैन, आलिया भट्ट फॉर बीइंग सच अ स्पॉट एंड बीइंग सच अ वंडरफुल एक्टर एंड बीइंग सो ब्यूटीफुल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू। एक फैन ने मुझको लिखकर भेजा कि दीपिका पादुकोण से ये जरूर पूछना कि जब वो ट्रैवल कर रही होती हैं प्लेन के अंदर तो विंडो सीट पर बैठती हैं या आइल सीट पर बैठती हैं? यूजुअली मैं कॉकपिट में बैठना पसंद करूंगी। मैं हूँ पायलट तो मैं भी कॉकपिट में ही बिठाऊंगा। बट आई थिंक जब नींद आती है तो विंडो के पास बैठना बेहतर होगा, सो देन एटलीस्ट आई कैन टेक द सपोर्ट ऑफ द विंडो, राइट? नहीं तो यू गो ऑन टू द अदर साइड एंड जो आपके साथ बैठे। नहीं, क्योंकि अगर मैं पायलट के सीट में बैठी हूँ और अगर मैं सो जाऊंगी तो फिर क्या होगा? को पायलट बड़ा खुश हो जाएगा। पर अगर आप को पायलट हैं मेरे साथ और हम मैं तो सालों बिता दिए मैंने इसके साथ बैठ के कि जब ये सोएगी तो मेरे शानों पे इसका सिर होगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की। मैं कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं दिन के अंदर, काम के अंदर, सो व्हेन यू मीट समवन बड़े वार्मली मिलते हैं उनसे, हाँ हाय हाउ आर यू एंड आई रियली यू नो हाउ यू बीन हाउ इज वर्क गोइंग ब्ला 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 ब्ला, लेकिन मुझे नाम याद नहीं है आपका। ओह गॉड। तो तब क्या करती हो? ऐसे तो बहुत बार होता है, मैं उनको और वार्मली मिलती हूँ और मैं ओवर कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करती हूँ ताकि उनको लगे ना कि मैंने उनको पहचान नहीं पाया। तो कैसे ओवर कॉम्पेंसेट? ज्यादा हाथ टाइट करते हो। दिखाओ। हाँ प्लीज। रवि, कॉल मी रवि। रवि, आई एम रवि। यू आर रवि? ओह नो, दैट गलत नाम हो गया ना। रवि लाइक हाय हाउ आर यू? नहीं नहीं, मैं रवि नहीं हूँ, बिल्कुल मैं रवि नहीं हूँ। हम लोग जब भी बाहर से एक्टर्स एक्ट्रेस को देखते हैं तो बड़ा डाइट करते होंगे, दीपिका जब खाती हैं तो माशाल्लाह बहुत खाती हैं। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप गुस्से में होती हैं, मैंने ऐसा सुना है कि लोग जो हैं गुस्से में कुछ खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, जब खुश होते हैं तो कुछ अलग किस्म का खाना खाते हैं, तो आप गुस्से में क्या खाती हैं और आप जब खुश होती हैं तो क्या खाती हैं?
गुस्से में तो शायद आइसक्रीम खाती हूँ, तो ठंडा हो जाता सब, दिमाग को ठंडा करने के लिए। बट अगर आइसक्रीम नहीं मिला तो डिजर्ट, मुझे डिजर्ट बहुत पसंद है, पर जैसे आपने कहा और आपको पता ही है कि मुझे खाने का शौक है तो मैं खा लेती हूँ बस। चाहे गुस्सा हो या खुश हो, ये कुछ भी खा लेती हैं, एज लॉन्ग खा सके तो इनके दोनों मूड जो हैं ठीक हो जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, टू द मोस्ट ब्यूटीफुल, द लवलीस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, द टफेस्ट, द कूलेस्ट, एंड लेट मी से द ब्रेवेस्ट ऑफ देम ऑल, प्लीज गिव इट अप फॉर दीपिका पादुकोण। और जैसे मैंने कहा, she looks like a princess, no? Okay, what do you prefer? आपको क्या अच्छा लगता है? A smile or a pout? There's no two ways about it. A pout. Mind blowing. मैं कुछ ही दिन पहले तैमूर से भी मिला, एंड उसका एक्सप्रेशन ऐसा था। Okay, salad or pav bhaji? मैं बड़े सीक्रेट चीजें पूछ रहा हूँ सबके सब। आप आई एम अ ट्रू मुंबईकर, सो पाव भाजी। पाव भाजी मुंबईकर, जय महाराष्ट्र। एंड सैफ करीना की वेडिंग या वीरे की वेडिंग? हमारे लिए तो सैफ करीना की थी, बिल्कुल, यू नो, प्रिंस चार्मिंग एंड द प्रिंसेस। बट वो तो हो चुकी है, अब वीरे की वेडिंग आने वाली है, सो डेफिनेटली वी विश यू द बेस्ट फॉर वीरे की वेडिंग आल्सो, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड बीइंग सो ब्यूटीफुल करीना। आई लव यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, करीना कपूर खान, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Welcome back to the Lux Golden Rose Awards 2017. Thank you very much, everybody, for being here.